आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं तेरे प्यार में ताजमहल बना दूंगा, लेकिन यह तो सिर्फ कहने की बात है। हम जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसने सच में अपनी पत्नी के लिए ताजमहल जैसा घर बनाकर तोहफे में दे दिया। पेशे से शिक्षाविद और माइक्रोविजन स्कूल के संचालक आनंद प्रकाश चौकसे ने ताजमहल की तर्ज पर यह घर बनवाया है। घर बनाकर उन्होंने इस प्यार की निशानी को अपनी पत्नी मंजूषा चौकसे को तोहफे में दे दिया। इस घर में कुल 4 बेडरूम है। अपनी पत्नी को ताजमहल जैसा घर गिफ्ट देने वाले मध्य प्रदेश के शिक्षाविद आनंद प्रकाश बताते हैं कि मुगल शासक शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में एक यादगार महल, जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। यह ताजमहल बुरहानपुर से गुजरने वाली तपती नदी के किनारे निर्मित होने वाला था, लेकिन कई कारणों की वजह से यह ताजमहल आज बुरहानपुर की जगह आगरा में निर्मित हुआ। ताजमहल जैसे घर में 4 बेडरूम, किचन, लाइब्रेरी और एक मेडिटेशन रूम है। इस घर को बनाने में लगभग 3 साल का टाइम लगा है। इस घर के फर्श को राजस्थान के मकराना से और घर का फर्नीचर मुंबई के कारीगरों ने तैयार किया है। बुरहानपुर में ताजमहल जैसा घर बनवाने वाले आनंद ने बताया कि घर बनाने से पहले इंजीनियर प्रवीण ने आगरा जाकर ताजमहल देखा और उसके काम को बारीकी से समझा। उसके बाद आकर यहां घर बनाने का काम शुरू किया गया। ताजमहल जैसे घर का क्षेत्रफल 90x90 का है। साथ ही इसका बेसिक स्ट्रक्चर 60x60 का है। डोम 29 फीट ऊंचा रखा गया है। इसमें एक बड़ा हॉल, 2 बेडरूम नीचे और 2 बेडरूम ऊपर है। और साथ ही आपको बता दे कि घर की अंदर की नक्काशी के लिए बंगाल और इंदौर के कारीगरों की मदद ली गई थी। तो दोस्तों, ताजमहल जैसा दिखने वाला यह घर आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल एज एजेंडा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई नई वीडियो डाले तो आपको सबसे पहले पता चल सके। वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।